हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम पाटनकर। आज आफ्टर लॉकडाउन बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए ऊपर लेके पे आया था, पर यहाँ पे आगे मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि कीप ओपन क्लीन। उसका मतलब है कि हमें ओपनली को क्लीन रखना है। बट उसके ही राइट साइड में मैंने कुछ लोगों का ग्रुप आते हुए देखा था, उनके पास एक मूर्ति थी। उन्होंने वो मूर्ति उस पानी में ही विसर्जित कर दी और उसके बाद उन्होंने उनके पास जो निर्माल्य था वो भी उस पानी में ही डाल दिया। अभी COVID-19 का सिचुएशन चालू है और उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से एक इम्पॉर्टेंट रूल भी फॉलो नहीं किया था। और जो डेली बेसिस पे यहाँ पे कपल्स रहे और फैमिलीज जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, वो उनके पास जो खाने पीने की चीज़ें रहती है वो यहीं पे ही डाल देते हैं। क्या ये बात सही है? ठाणे प्रशासन ने इस लेक को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप देख ही सकते हो, पीछे बैठने के लिए जगह है, आप बोटिंग कर सकते हो, खाने पीने के लिए कैंटीन है और उफन फेस्टिवल, वो तो आप सब लोग जानते हैं। तो ओवरऑल ठाणे प्रशासन ने इस लेक को काफ़ी हद तक मेंटेन और डेवलप किया हुआ है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि इस लेक को अच्छे से मेंटेन रखें। तालाब की असली खूबसूरती उसके डेवलपमेंट से ज़्यादा उसके स्वच्छ पानी में होती है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल है, फिर भी लोगों को कचरा पानी में ही क्यों डालना है। तो मेरी सभी ठाणेकर से ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी कभी भी इस लेक पे घूमने के लिए आते हैं या किसी और लेक को विजिट करने के लिए जाते हैं, तो कचरा जो रहता है वो आप डस्टबिन में डालें, पानी में नहीं। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चला उतराला जमत नहीं। अरे आप उतरेंगे, उतरे उतरे से खेलते हैं।